कैसे हो दोस्तों? और ये जो वीडियो है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं बनाऊं चाहे ना बनाऊं। पता नहीं, दिमाग में एक उलझन सी थी। पर सो बेसिकली आप सोच रहे होगे कि अभी मेरी सीरीज चल रही है वो, मतलब आप काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, पर जल्द ख़त्म हो जाएगी और जल्द वीडियो आने वाला है जो नेक्स्ट एपिसोड है इसका, लद्दाख वाला, जो मेरी अल्टीमेट अपनॉट चल रही है। पर एक ऐसी चीज़ हुई पिछले कुछ महीने में जो मेरे को लगा कि मैं आपको बताऊं ना बताऊं, कैसे बताऊं, इंस्टा पे बता दूं या पोस्ट कर दूं या वीडियो बनाऊं, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ से जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं, इस वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को आपको बताना चाहिए। और बस इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट। मेरा फ्रेंड है, जो आप जानते हो, जब मैं लद्दाख जाता हूँ, चाहे मेरी पहली अप नॉर्थ थी या जब भी मैं ले गया उसके बाद, तो मैं अपने फ्रेंड के ही रुकता था, जिसको काफ़ी लोग जानते हैं, विक्की, और वो अक्सर वीडियो में भी होता था जब मैं ले जाता था। तो मेरा पुराना एक दोस्त है, मतलब वैसे दोस्त है कि जो ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलते थे और हमेशा फ़ोन पे टच रहते थे, पर एक दोस्ती होती है जिसमें आप इतने कनेक्शन में नहीं होते, बट यू फील फ्रॉम इनसाइड, एक बॉन्डिंग है उसके साथ। और जब भी मैं लद्दाख जाता था, ले जाता था खासकर, तो मैं इतना एक्साइटेड होता था कि मैं जब जाऊंगा तो उससे मिलूंगा और वहाँ रुकेंगे। और वो भी काफ़ी होता था क्योंकि अब वो वहाँ पे ऐसी जगह जॉब कर रहा था ले में, तो जब यहाँ से लोग जाते हैं, उसके मतलब फ्रेंड्स और फैमिली या कोई भी, तो नेचुरली बड़ा एक्साइटिंग वाली बात होती है, क्योंकि वहाँ पर वो अकेले रह रहे होते हो। हुआ क्या कि मैं ये ट्रिप करके वापस आ गया, तो मैं अगस्त में वापस आ गया था। तो तब हमारी बात हुई थी वहाँ पे कि वो जॉब चेंज करने की सोच रहा है, वो वापस राजस्थान में, क्योंकि वो होटल इंडस्ट्री में है, तो राजस्थान में किसी होटल में उसका ऑलमोस्ट हो भी गया था। तो उसने बस ये था कि मैं बस वहाँ पे छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि राजस्थान जो है वो घर से पास भी है, तो फैमिली के पास भी रहेगा। तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि बस सब कुछ टाइम बचा है। मजाक मजाक में मेरी ये भी बात हुई थी कि मतलब मैंने उसको बोल रहा था कि मैंने कहा चल आज ही चलते हैं वापस, छोड़ ये सब, जब हो गया है तो चलते हैं। तो उसने बोला कि नहीं यार, कमिटमेंट होता है जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है, बस मैं आ गया वापस। और ये फाइनल बस मैं आ गया वापस, और फिर मैं को अभी तक याद है कि मैं टीवी देख रहा था, सितंबर की बात है, और मेरे एक फ्रेंड का, जो उसका खास मित्र है, उसका मेरे को मैसेज आया, विन्नी, आप जानते हो विन्नी को, कि भाई विक्की का एक्सीडेंट हो गया और वो वापस आ रहा था, और वहाँ पे पैकअप करके वापस आ रहा था, और वो मोटरसाइकिल से ही था, उसके पास बुलेट थी, और काफ़ी बार वो लद्दाख कर चुका है अकेले, और काफ़ी बार, इट्स नॉट कि वो फर्स्ट टाइमर, बहुत बार कर चुका है वो, और उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज़ नो मोर। तो मतलब एक होता है ना कि मतलब ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं जब चले जाते हैं, ऐसी न्यूज़ सुनते हो तो आपको पता नहीं, मतलब ऐसा कोई, मतलब ये नहीं होता कि अच्छा हाँ यार सैड, मतलब उसके साथ ना क्या एकदम स्पार्क हुआ कि यार क्या बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जबकि हम ऐसे कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, आई टेल यू, मैं लद्दाख से आया उसके बाद शायद 2-3-4 महीने हो जाते, बात नहीं होती कुछ भी, एंड जस्ट वापस आ रहा था। बारालाचला उसने क्रॉस कर लिया था, और बारालाचला को उतर रहा था वो आपका जिस्पा की तरफ आ रहा था, और जब बारालाचला को क्रॉस करते ही जब आप नीचे उतरते हो, तो जब मैं भी आ रहा था, तो वहाँ पे ख़राब रोड का पैच है, काफ़ी रोड तो अच्छी होगी पर वहाँ पे एक ख़राब रोड का पैच है, बजरी बजरी डली हुई है, रोड बनने वाली है जो भी है, वहाँ की उसकी बाइक स्किड हुई एंड कैसे गिरा क्या हुआ मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर वो इतना रिमोट एरिया था और वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसको हेल्प, अब पता नहीं मेरे को क्या हुआ, जो भी मतलब ऑन द स्पॉट ही लेफ्ट अस, और डिले हुई चीज़ें मिलने में, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, घंटों लग गए, एंड रिमोट कोई आएगा भी, उन्होंने वहाँ पे किसी ने फ़ोन किया, फिर घंटों लग गए, ये सब लग गए, एनी थिंग, द स्टोरी इज ही लॉस्ट हिज लाइफ। एंड अभी जो एपिसोड आने वाला है, पहले मैं सोच रहा था कि बनाऊँ ना बनाऊँ, पर अभी जो एपिसोड आने वाला है उसे मैं उसी से ही मिला हूँ, और उसके पार्ट भी उस वीडियो में पुराने भी हैं जो अगर आप देखोगे तो। और जब मैं वहाँ से होटल से निकल रहा हूँ, तो मैं उसको गुड बाय बोल रहा हूँ, और मेरे को नहीं पता था कि ये लास्ट गुड बाय है उसकी,
एंड मग कॉफी मग बना लो और अच्छा कनेक्शन होगा अपना। बाय ब्रो। उसके बहुत क्लोज वंस जितने भी उसके क्लोज थे, चाहे फैमिली, मतलब मैं उनमें से था जिसने जो उसे लास्ट बार मिला था, मतलब यू नो कुछ उसके और भी दोस्त थे एक दो जो वहाँ पे रुके हुए थे उस रात। एंड या पता है मेरे को लोग आते हैं चले जाते हैं, उसका तो कोई टाइम नहीं था, ही वॉज यंग, कोई मतलब ही नहीं था उसका। पर उससे भी ज़्यादा जो मेरे को एक चीज़ लगती है ना उस बंदे के, मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन से लेके आज तक ना मैं ऑलमोस्ट 99.9% ना एवरी डे आई थिंक अबाउट, कहीं ना कहीं वो मेरे थॉट में आ जाता। क्योंकि पता है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो आए आपके रूम में घुसे या आप उसे देखो ना तो आप खुश हो जाओ, यू नो उनके अंदर से इतनी अच्छी एनर्जी निकलती है, ब्राइट, मतलब आप ना ऐसे लोगों के पास खुद जाना चाहोगे। वरना आजकल तो दुनिया में ऐसे लोग हो गए सब एक दूसरे से ना बचना चाह रहे हैं कि अरे यार यू नो बचना चाह रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे बंदे हैं कि जब आप उनसे मिलते हो ना तो आप मिलना चाहते हो, आप उनके साथ बैठना चाहते हो, क्योंकि उनके अंदर ना इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आपको वो ब्राइट अप कर दे। तो ऐसा था वो बंदा, इसलिए मेरे को ना इतना दुख हुआ। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बंदे वैसे ही इस दुनिया में साले कम है, और वो भी आप ले जाओ यहाँ से तो बचेगा क्या यहाँ पे। सो ये एक चीज़ थी, मेरे को लगा कि मैं आपको बता दूँ, और इसलिए क्योंकि आप भी कनेक्टेड हो, क्योंकि ये सीरीज़ मैं आपके साथ ही ट्रैवल करता हूँ, आप ही मिलते हो उनसे और आप काफ़ी लोग उसको जानते भी हो, सो इट्स जस्ट इट्स कनेक्टेड मेरे ट्रिप से, तो इसलिए मेरे को लगा मैं आपसे शेयर करूँ। एंड या सो दिस इज़ द थिंग, बाकी द शो मस्ट गो ऑन, और आज या कल में एपिसोड आ जाएगा जहाँ पे विक्की भाई भी होंगे उसमें कुछ पार्ट, जहाँ मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, एंड विल मूव फॉरवर्ड, बट ही विल बी ऑलवेज देयर। एंड आई टेल यू, जब भी मैं ले जाऊँगा, वैसे भी पर जब भी मैं ले जाऊँगा ही विल बी समवेयर अराउंड देयर। एंड सो गाइज, ऑन द अदर नोट, ये जो भी ट्रैवलिंग होती है, राइडिंग होती है, एडवेंचर और ये सब जो हम करते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं यार। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ अच्छी तो होती है पर दीज आर द साइड इफेक्ट्स। इसके लिए भी आप मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि जो आप ये सब चीज़ें करते हो तो यू नो दीज थिंग्स कैन हैपन, दैट्स अ सैड रियलिटी। एनी वे, एज आई सेड, द शो मस्ट गो ऑन। विकी, आई लव यू एंड ऑलवेज आई विल लव यू एंड यू विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड। एंड बाकी टेक केयर गाइज, दोस्तों बाय बाय।